Good morning, students. Today I am going to start the next chapter, that is redox reaction. What do you mean by redox reaction? Redox reaction involves both oxidation and reduction. Oxidation means addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, but in case of reduction, addition of hydrogen and removal of oxygen. When the reaction that involve oxidation and reduction simultaneously, this is called as redox reaction. Both the processes that occur simultaneously means agar one space is oxidized ho rahi hai to another space is reduced. Okay, now as we know that what is oxidation and what is reduction, so in this chapter we will discuss in detail. Okay, here we take the example of oxidation and reduction. In terms of oxygen, oxidation क्या होता है oxygen के term में बेटा? देखो, हमने अभी भी बताया addition of oxygen in a species. जैसे बेटा magnesium है, जब magnesium में oxygen add किया, means जब magnesium को oxygen के presence में bond किया, मैग्नीशियम तो रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब बांध करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है बेटा, 2MgO. तो हम इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, इट मीन्स जो Mg है दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू MgO. ठीक है, तो इसमें मैग्नीज का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. Now next is reduction. Reduction means loss of oxygen in a species. जैसे water को, water से बेटा H2 बन गया, ठीक है. अब water से जब H2 बना तो ये शायद ऐसे बना है, देखो देखो, ये आपका है H2O. इस केस में क्या है बेटा, जैसे ये है H2, यहाँ से बना H2, तो इसमें क्या होगा, ये वाली ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे O2 जुड़ेगा, तभी तो ये वाटर बनेगा. ठीक है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा. जो यहाँ से ऑक्सीजन चली गई ना, इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट मीन्स दिस इज़ अ रिडक्शन. ओके, एंड द स्पीसीज विच shows oxidation, that this species is called as oxidized species, and the species which get reduced, this is called as reduction, means reduced species. Okay, now next hai beta, in terms of hydrogen, hydrogen ki terms mein kya bolenge, loss of hydrogen in a species is called as oxidation. जैसे बेटा H2 ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन में चेंज हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या है, लॉस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन इन अ स्पीसीज, इट मीन्स जो O2 है दैट इज़ रिड्यूस टू H2O2. O2 ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, गेन करने पे क्या बनाया, H2O2, इट मीन्स इट शोज द रिडक्शन. नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स केस में लेते हैं हम,
ऑयल रिग नाम से होता है बेटा। देखो ऑयल रिग नाम से, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लर्न कर सकते हो कैसे। देखो ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, आई मीन्स इज, एल मीन्स लॉस, ऑक्सीजन का लॉस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। रिग मीन्स रिडक्शन, आई इज जी गेन। ओके, तो देखो इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में लॉस होता है, रिडक्शन में गेन होता है। तो देखो बेटा, जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखो मैग्नीशियम जब यहाँ से MgO बना रहा है, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो इट मीन्स जब ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये मैग्नीशियम 2+ आयन बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 12 माइनस 2 करेंगे ना, तो ये आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, उतना ही उसमें ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, सेम इन दिस केस रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना है। देखो कैसे होगा इसमें, इस केस में हम लेंगे जैसे बेटा क्लोरीन है हमारे पास Cl2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, इट मीन्स क्या बनाता है, ये Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो 2Cl बन जाएगा। अब बेटा इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, गेन करके क्लोरीन यहाँ से Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, रिडक्शन शो कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक केमिकल स्पीसीज है बेटा, दैट कॉजेज द अदर रिएक्टेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी ऑक्सीडाइज एंड इट इज ऑलवेज रिड्यूस इन द प्रोसेस। वो खुद तो रिड्यूस होती है, बट जो दूसरे रिएक्टेंट हैं उनको क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। क्या होता है, ऑक्सीडेंट, इसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जो स्पीसीज होती है दैट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उल्टा बोलते हैं ना बेटा, ध्यान रखना इस बात का कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा रिडक्शन शो करता है, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेकेंड नेम क्या है, ऑक्सीडेंट। ठीक है, सेम इन दिस केस रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज द केमिकल स्पीसीज दैट कॉजेज द अदर रिएक्टेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी रिड्यूस, लेकिन इट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज इन द प्रोसेस। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सिंपली ये बताएंगे, अ स्पीसीज दैट लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, इसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसके अपोजिट होती है, तो उल्टा लेते हैं हम इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या शो करता है, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो उल्टा बता देंगे। हियर वी टेक वन एग्जांपल। देखो बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बता सकते हैं, देखो याद करने के लिए, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम रिडक्शन बोलते हैं ना एक तरीके से, तो ये इटसेल्फ तो रिड्यूस होता है व्हेन इट ऑक्सीडाइज समथिंग। जब ये किसी को दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो बेटा इसको सिंपली लर्न कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन शो करता है। सिंपली जो ऑक्सीडेशन शो करेगा वो खुद ही ऑक्सीडाइज होगा। ओके, देखो अब एक एग्जांपल लें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मान लो हमारे पास जिंक है, Zn+, एक लिया बेटा कॉपर 2+,
फिर हमने लगाया एरो साइन, कॉपर प्लस जेड एन टू प्लस। देखो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखना। जब बेटा जिंक से जिंक टू प्लस आयन बना, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए तो क्या हुआ, जेड एन टू प्लस आयन आया। इसमें क्या हुआ, कॉपर टू प्लस से बेटा कॉपर में चला गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर टू प्लस आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और कॉपर बना दिया। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। ओके, और यहाँ पे जो कॉपर है इसका रिडक्शन हुआ है, इट मीन्स ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ठीक है, जो रिडक्शन शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो जो रिडक्शन शो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अपोजिट लिखना है हमें, कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो आपका बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, ये बनता है। नाउ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा ये हमें सिर्फ थोड़ा सा हिंट लेनी है, इनकी लर्न नहीं करने हैं। जैसे ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के एडिशन, ऑक्सीजन O2, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो रिडक्शन शो करते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड देखो, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, सी एल टू से माइनस वन में जा रहा है, जब जीरो से माइनस वन में जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, गेन होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या मेटल से मेटल प्लस आयन बना रहा है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। डाइक्रोमेट आयन्स इन एसिड, जैसे सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, प्लस सिक्स आ जाएगी। प्लस सिक्स से किस में जा रहा है, प्लस थ्री में, इट मीन्स जब हमारा कब में आ जाए तो क्या आ जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे ही मैग्नेट आयन है बेटा, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले मैग्नीज की। यहाँ पे मैग्नीज की माननी एक्स, ऑक्सीजन कितना है बेटा, एट, क्योंकि फोर टू जो एट होता है और दैट इज इक्वल टू माइनस वन, तो कितना आ गया, प्लस सेवन आ गया ना। तो प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है, इट मीन्स कम जा रहा है। कम का मतलब क्या है, रिडक्शन। ज़्यादा से कम में जाए तो रिडक्शन है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इधर देखेंगे बेटा तो कार्बन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मैग्नेट आयन इन न्यूट्रल और एल्कली मीडियम में, जैसे MnO4- से MnO2 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो इंक्रीज होगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 है, H2O2 से H2O में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, रिडक्शन। क्योंकि देखो बेटा एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन कम होगी, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन शो करता है, रिडक्शन शो करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस केस में भी बेटा देखो, इस केस में हमारे पास क्या होगा, निकालेंगे इसका, ये आएगा 2x माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये आ गया 2x माइनस टू प्लस एट, सिक्स आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस थ्री आ गया बेटा इस पे चार्ज, इस पे निकालेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस फोर आएगा। तो प्लस थ्री से प्लस फोर जा रहा है, इट मीन्स बढ़ रहा है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इट मीन्स दिस इज अ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सेम इन दिस केस H2SO4 है, H2SO4 से SO4 में जा रहा
सॉरी SO2 में चेंज जा रहा है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेंज हो रही है। इस केस में क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, इट मीन्स यहाँ भी क्या है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। जब इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन होता है और जब डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन दैट इन्वॉल्व्स द गेन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इन अ स्पेसिस, जैसे मैग्नीज इज ऑक्सीडाइज टू MnO2, मैग्नीज MgO में चेंज हो रहा है, MgO में चेंज हो रहा है। देखो बेटा जो मैग्नीज है, जब बेटा यहाँ पे मैग्नीज था तो ये जब MgO में बना, तो देखो इनकी हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब इस मैग्नीशियम आयंस के ऊपर जीरो चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल है ये, इसकी कैसे निकालेंगे, इसको हमने एक्स मान लिया। ऑक्सीजन के पास होता है -2 चार्ज, ऑक्सीजन के पास -2 होता है ना, तो दैट इज़ इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा +2, इट मीन्स जीरो से जब +2 में जा रहा है तो बढ़ रहा है, कम से ज़्यादा में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें गेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पेसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का गेन कैसे, लिसन बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखो, ठीक है, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो गेन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। रिडक्शन के केस में देखो बेटा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, मतलब कम होगी। देखो इसमें तो क्या था, जो आपका ऑक्सीडेशन था उसमें तो इंक्रीज़ हुई थी, जीरो से +2 में चली गई तो बढ़ गई है। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लॉस होगा। जैसे मान लो बेटा H2 से किस में, H2O2 में चला गया, अब यहाँ पे किस कोई भी चार्ज नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे जीरो चार्ज है, इस पे ऑक्सीजन पे निकालेंगे, यहाँ पे तो प्लस हाइड्रोजन का होता है प्लस वन चार्ज, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो +2, माइनस ऑक्सीजन पर 2 गिवन है तो 2, और इसको हम मानेंगे 2x, दैट इज इक्वल टू 0 मान लिया। अब इस केस में, अब बेटा यहाँ पे जो चार्ज होता है ना, इस पे ऊपर 2 माइनस चार्ज है क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड इस पे हम चार्ज है -2 मानते हैं, तो ये हमारे पास अगर जाएगा उधर तो ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -2, तो x क्या आ जाएगा बेटा, दैट विल इक्वल टू कितना आएगा इसके ऊपर, -2/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो ये इधर जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लेंगे, -1। ठीक है, -1 चार्ज आ गया, तो इस पे परऑक्साइड है ना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पे तो पर जहाँ वर्ड आ गया बेटा, तो -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 0 से -1 में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब एक नोट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज रिटन इन +x और इन -x, नेवर जस्ट x और x-, ऐसे नहीं लिखते, या तो +x लिखते हैं या -x लिखते हैं। तो हम उसको है ना, हम हमेशा कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो +2 लिखा, +3, पहले प्लस साइन लगाते हैं फिर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते 3 प्लस कर दिया या -2 और -2। ठीक है, तो हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम पहले हमेशा साइन लगाते हैं फिर हमेशा लिखते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यू हैव टू जस्ट रिवाइज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लाइक आयरन,
O2 एंड S0, अगर इस ऐसे कोई भी आता है तो इट मीन्स इट इज़ अ न्यूट्रल, मीन्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी ज़ीरो. सेकेंड इज़ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड्स, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है, लाइक वैसे तो अगर किसी में है तो ऑक्सीजन के ऊपर हम हमेशा -2 चार्ज लेते हैं, बट इन द केस ऑफ परऑक्साइड, जैसे H2O2 है बेटा, Na2O2 है, देन ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज लगेगा? -1. ओके, लेकिन वन इज एक्सेप्शनल केस, दैट इज Fe2O. इस केस में जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ऑक्सीजन की, वो +2 होगी. तो दो एक्सेप्शनल केस हैं, अगर हमारे पास कोई परऑक्साइड आता है तो उसका चार्ज हमेशा -1 रहेगा, ठीक है, और नॉर्मल ऑक्सीजन है तो O के ऊपर -2 चार्ज होता है, और अगर F2O है तो उसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? +2. पॉइंट नंबर 3, फ्लोरीन पे ऊपर मीन जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऊपर क्या होता है? -1 चार्ज होता है. नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन पे तो हम +1 चार्ज लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में, अगर हाइड्राइड के फॉर्म में आ जाता है, इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, तो हम उस हाइड्रोजन पे जो चार्ज लेंगे दैट इज़ -1. इट मीन्स द मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल की टेंडेंसी है कि उनको इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर ये आते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे पास? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मीन्स -1 चार्ज शो करते हैं. इफ़ बॉन्डेड टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, देन जैसे NaCl है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी यहाँ पे. लेकिन अगर यही एटम कहाँ पे है? बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डेड है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी चेंज. कैसे बेटा? देखो जैसे ClO नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ClO3 माइनस है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5. देखो कैसे आई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो ClO नेगेटिव लगाया तो हम इसको मानेंगे X, इसके ऊपर होता है -2 चार्ज, ऑक्साइड पे तो -2 होता है ना, -2 दैट किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है. तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1 + 2 दैट इज इक्वल टू +1, तो इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. अब सेम बेटा हम यहाँ पे केस लेते हैं ClO3 माइनस का, ClO3 O और 3 माइनस का केस लेते हैं. इस केस में क्या होता है, हम इसको x मान लेते हैं, x -3 to 2, जब क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है बेटा -2, एक्चुअली चार्ज है, ये तो इसका चार्ज है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज दिया हुआ है, एक्चुअली चार्ज तो ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, हमेशा -2 लेके चलेंगे. तो इस केस में -2 हो गया बेटा, कितने ऑक्सीजन है? 3, दैट इज़ इक्वल टू -1. तो x क्या आ गया बेटा? -6, दैट इज़ इक्वल टू -1. तो x क्या आया बेटा? -1 + 6, तो x क्या आ गया बेटा? +5, ठीक है, ये आ जाएगा. तो यू कैन डू ईजीली बाय लर्न दिस टेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. What do you mean by oxidation state? Means the sum of all oxidation state of all the atoms. उनका सम लेंगे, is equal to overall charge of the molecule, atom or ion. तो overall charge भी इसमें देखेंगे, पहले तो oxidation state का सम लेंगे, उसके बाद उसका overall charge के equal कर देंगे. तो इसमें ये है बेटा कि oxidation state क्या है? Oxidation state एक charge होता है, ठीक है, एक तरीके से क्या है? Charge है. Charge of that atom that has present in the form of ions, ठीक है, or when they are present in the combined state with the other atoms, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? oxidation state बोलते हैं, और इसको एक नाम भी दिया हुआ है, it is also called as oxidation number, ठीक है. तो oxidation number क्या है बेटा? The charge
that an atom appear to have in a compound when all the other atoms are removed in the form of ion. Okay, तो हम ये सब बता सकते हैं. तो हमने रूल्स भी कर लिए हैं कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी लेनी है. ठीक है, ये कर सकते हैं. अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फर्स्ट टू ग्रुप्स की, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, वो ग्रुप नंबर के इक्वल होती है. अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसी दूसरे ग्रुप के निकालते हैं तो ग्रुप नंबर माइनस 10 कर देते हैं. ओके, तो हम निकाल सकते हैं इजीली. अब हेयर वी टेक एग्जांपल, जैसे बेटा H2O की है, तो H2O के केस में हम क्या कैसे लेंगे. देखो, जैसे हमने H2O लिया, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो हाइड्रोजन के निकालनी है, तो हमें पता नहीं हाइड्रोजन की. तो देखो बेटा, तो इसको मान लेंगे हम X, तो कितने हाइड्रोजन है, 2X. अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2. अब पूरा एटम क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं स्पीसीज के ऊपर, तो 0 के इक्वल कर दो. ठीक है, तो 2X क्या आ जाएगा बेटा, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और X हो जाएगा तो +2/2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1. तो इट मीन्स 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1. ओके, तो ये बन जाएगी. नेक्स्ट देखो बेटा, इस केस में क्या लेंगे, जैसे मान लो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के निकालनी है, तो इसको तो हम X मान लेंगे. तो X, अब देखो बेटा, हाइड्रोजन का होता है +1 चार्ज, ये वाला चार्ज नहीं देखना हमें, हमें एक्चुअल चार्ज जो हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होता है उस टेबल के थ्रू देखना है. तो हमारे पास क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन है, किसके इक्वल है बेटा, +1 के इक्वल है. तो X क्या आ गया, +1 -4, दैट इज़ इक्वल टू -3. तो -3 आ गया बेटा, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, -3. ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो. एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा. देखो, मान लो हमने कोई अदर एग्जांपल लिया, KMnO4. इस केस में क्या होगा बेटा, देखो हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो नीचे अंडरलाइन मिलेगा. अब देखो बेटा, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, क्योंकि अल्कली मेटल्स है, दैट शोज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड मैगनीज को X मान लेंगे हम, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, इट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू -8 इक्वल टू 0. ओके, तो X क्या आ गया, -7, दैट इज़ इक्वल टू 0, और X इज़ इक्वल टू +7. ओके, ये आ जाएगा. तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई +7. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बेटा NO3- की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे. देखो, इसमें नाइट्रोजन का निकालना बेटा, इसको माना हमने X. अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है, लेकिन 3 एटम है, तो 3 × 2 = 6, दैट इज इक्वल टू -1. तो X क्या हो जाएगा, -1 + 6, तो X क्या आ जाएगा, 5 आ गया, +5 आ गया ना बेटा, तो ये +5 शो करेगा. ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज MnO4- +5 Fe+2 + 8H+ Mn give rise to Mn2+ + 5 Fe+3 + 4H2. In this case, how will you calculate the oxidation state of manganese? देखो बेटा, first इसको हम X मानेंगे, ऑक्सीजन होता है -2 चार्ज, दैट इज 4 × 8, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है. तो X क्या आ जाएगा आपके पास, -1 + 8, दैट इज इक्वल टू +7. तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +7. तो यहाँ आ गया बेटा +7. अब देखो, इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी +7 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी +2 है, इट मीन्स ज़्यादा से कम में चली गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन. क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन. अब देखो, यहाँ पे तो गिवन है, यहाँ पे आयरन +2 में है, और यहाँ पे आयरन +3 में है, तो +2 से +3 में चली गई, इट मीन्स इट शोज द ऑक्सीडेशन. ओके, ये ऑक्सीडेशन है. तो इस स्पीसीज में क्या है, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, इट मीन्स दिस शोज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. ओके,
तो अब इसमें हम बता सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन कौन Fe प्लस टू शो करता है, तो इसको हम ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज बोलेंगे बट रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला है मैग्नीज प्लस सेवन से मैग्नीज प्लस टू में जा रहा है, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे बट रिड्यूस्ड स्पीसीज बोलेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हम इसकी सहायता से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।